हेलो एवरीवन, एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जासमोनिक एसिड के बारे में। इससे पहले हमने ऑक्सिन एंड जिब्रेलिक एसिड के बारे में बात किया था। दिस इज अ थर्ड फाइटो हार्मोन जिसमें कि हम जासमोनिक एसिड के बारे में डील करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जासमोनिक एसिड एक्चुअल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे बाद में एज अ प्लांट रेगुलेटर कंसिडर किया गया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? दैट इज फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन्स को हम प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला भी कहते हैं। तो जो नॉन बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इन टर्म्स का ध्यान रखें कि फाइटो हार्मोन को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और जासमोनिक एसिड का नाम देख रहे हैं, इसमें एक वर्ड है दैट इज जासमोनिक, राइट। तो देखा यह जाता है कि जो जैस्मिन प्लांट है उसमें भी जासमोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द सेवरल प्लांट इंक्लूडिंग द जैस्मिन। तो ऐसा नहीं है सिर्फ जैस्मिन में प्रेजेंट रहता है, बहुत से प्लांट में प्रेजेंट रहता है इंक्लूडिंग द जैस्मिन। इसके अलावा जासमोनिक एसिड इज अ मेंबर ऑफ अ जासमोनेट क्लास ऑफ फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन को हम जासमोनेट भी कहते हैं, जासमोनिक एसिड भी कहते हैं। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म इसका देखा जाता है दैट इज द मिथाइल जासमोनेट, जो कि एक्चुअल में क्या है, दैट इज इट इज अ मिथाइल एस्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल यानी दैट इज एयर में मिक्स हो जाना, ठीक है। सो मिथाइल जासमोनेट इज अ वॉलेटाइल एंड प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल। जितने भी एसेंशियल ऑयल होते हैं स्पेसिफिकली, तो कुछ एसेंशियल ऑयल में जासमोनेट भी प्रेजेंट रहता है जिसे हम मिथाइल जासमोनेट कह रहे हैं। सो इट्स हाइएस्ट लेवल ऑफ अ जासमोनेट और मिथाइल जासमोनेट आर रिपोर्टेड इन फ्लावर एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू, वेर एज मच लोअर लेवल आर फाउंड इन द रूट एंड मेच्योर लीव्स। तो इसका हाइएस्ट लेवल कहाँ देखा जाता है? फ्लावर के अंदर एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू में देखा जाता है, जबकि इसका लोएस्ट लेवल देखने को मिलता है, दैट इज लोएस्ट लेवल आपको देखने को मिलता है मेनली रूट में एज वेल एज मेच्योर लीव्स में। एंड हाइएस्ट लेवल कहाँ देखने को मिलता है? मेनली फ्लावर्स में एंड रिप्रोडक्टिव टिश्यू में, ठीक है। नेक्स्ट, जासमोनेट इसके अलावा क्या करवा सकता है? ये तो कुछ इसके लोकेशन हुए। जासमोनेट कैन इंड्यूस ए सेनेसेंस, ठीक है। जासमोनेट सेनेसेंस को इंड्यूस कर सकता है, लीफ का एब्सेशन करवा सकता है। एब्सेशन यानी प्लांट से लीफ का डिटैच हो जाना, जैसे हम कहते हैं लीफ का गिर जाना, ठीक है। तो सेनेसेंस करवाता है, लीफ एब्सेशन करवाता है, और ये इनहिबिट करता है दैट इज जर्मिनेशन को। तो हम ये कहते हैं कि मिथाइल जासमोनेट सेनेसेंस प्रमोटिंग फाइटो हार्मोन है, प्लांट में एजिंग प्रोसेस की तरफ लेकर जाता है, दैट इज जासमोनेट, ठीक है। तो दिस इज एन ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ जासमोनिक एसिड। अब अगर हम बात करें कि इसका बायोसिंथेसिस कैसे होता है, तो बायोसिंथेसिस जिस पाथवे से होता है उसे हम कहते हैं दैट इज ऑक्टाडेकेनॉइड पाथवे, ठीक है। और सिंथेसाइजिंग जो हमारे पास ऑर्गन होते हैं प्लांट में, जो ऑर्गन सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, दैट इज द प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है एज वेल एज पेरोक्सिसोम में। तो दो ऑर्गेनली इन्वॉल्व है, प्लास्टिड कह सकते हैं या क्लोरोप्लास्ट कह सकते हैं आप, एज वेल एज सेकेंड है दैट इज पेरोक्सिसोम। तो शुरू कहाँ से होता है? इसका जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल होता है वो होता है एक फैटी एसिड जिसे हम कहते हैं अल्फा लिनोलिनिक एसिड, ठीक है। अल्फा लिनोलिनिक एसिड इज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द जासमोनेट, एंड अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अल्फा लिनोलिनिक एसिड इज इट इज इम्पॉर्टेंट। सो अल्फा लिनोलिनिक एसिड इज एक्टिंग एज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द जासमोनिक एसिड बायोसिंथेसिस पाथवे। इसके बाद ये एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं लाइपोक्सीजिनेस। लाइपोक्सीजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा लिनोलिनिक एसिड परोक्साइड में चेंज हो जाता है। परोक्साइड से इसका साइक्लाइजेशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है एलीन ऑक्साइड सिंथेज।
एलीन ऑक्साइड सिंथेज की प्रेजेंस में परोक्साइड एंजाइम चेंज हो जाता है एलीन ऑक्साइड में। तो देखिए एलीन ऑक्साइड सिंथेज यानी एलीन ऑक्साइड का ही सिंथेसिस होगा आगे, तो नाम से पता चल रहा है कि आने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एलीन ऑक्साइड सिंथेज दैट इज काम करता है एलीन ऑक्साइड को प्रोड्यूस करवाने में। नेक्स्ट ये जो एलीन ऑक्साइड है इसका रीअरेंजमेंट रिएक्शन किया जाता है और एंजाइम जो यूज होता है यहाँ पे वो होता है एलीन ऑक्साइड साइक्लेज। उसके बाद एलीन ऑक्साइड साइक्लेज एलीन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है ओपीडीए में, जिसे हम कहते हैं 12 ऑक्सो फाइटो डाइऑनिक एसिड। ओके दिस इज अ शॉर्टकट ओपीडीए। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपसे दैट इज योर गेट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओपीडीए किस ऑर्गेनरी में बनता है ड्यूरिंग दी जास्मोनिक एसिड बायोसिंथेसिस, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि एलीन ऑक्साइड किस ऑर्गेनली में बनता है, या फिर ये पूछ सकता है कि लाइपोक्सीजिनेज एंजाइम किस ऑर्गेनली में काम करता है। तो क्वेश्चन आपके इसी वाले एरिया से बनते हैं और ऐसे बनेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनेंगे बट यस इंटरमीडिएट के बेसिस पे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद ये जो ओपीडीए बना है इसका फिर मेन काम क्या होता है, ये फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, पेरोक्सीसोम में। ओपीडीए पेरोक्सीसोम में आता है, वहां पे रिडक्टेज एंजाइम इसका रिडक्शन करता है, रिडक्टेज रिडक्शन, तो ओपीडीए का रिडक्शन होता है। साथ ही साथ बीटा ऑक्सीडेशन की सीरीज देखी जाती है, तो सीरीज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन या फिर आप कह सकते हो रिडक्शन एंड सीरीज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जास्मोनिक एसिड। ठीक है, तो इसके बाद जो है जास्मोनिक एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज अ ऑर्गन जहां पे जास्मोनिक एसिड बन रहा है, तो ऑर्गन विल बी पेरोक्सीसोम। ऑल द पाथवे चला था दैट इज क्लोरोप्लास्ट से या प्लास्टिड से, लेकिन जास्मोनिक एसिड का सिंथेसिस हुआ कहाँ पे, दैट इज पेरोक्सीसोम में हुआ। तो इस बात को आपको याद रखना है कि पेरोक्सीसोम में जास्मोनिक एसिड का सिंथेसिस होता है, तो ये सारे स्टेप आपको याद रहने चाहिए। फिर आता है सिग्नलिंग पाथवे। ठीक है, तो सिग्नलिंग पाथवे हमारा जाना पहचाना वाला ही पोर्शन है जिसे हम कहते हैं 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पे भी सबसे पहले रिसेप्टर की बात आएगी। रिसेप्टर का नाम क्या है, कोरोनेटिन कोरोनेटिन इनसेंसिटिव 1 COI1। दिस इज अ नेम ऑफ द रिसेप्टर फॉर द जास्मोनिक एसिड दैट इज COI1। ये काम करता है रिसेप्टर की तरह। ठीक है, एंड इट इज अ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर यानी सेल के अंदर रहेगा, यानी आप कह सकते हो इट इज अ सॉल्युबल रिसेप्टर। जास्मोनेट एक्चुअल में आपने देखा कोई भी दैट इज योर अभी जितना भी हमने पढ़ा है फाइटो हार्मोन सब अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट या फिर सिग्नलिंग कर रहे थे, लेकिन जास्मोनेट कॉन्जुगेट होता है आइसोल्यूसिन के साथ। ठीक है, आइसोल्यूसिन के साथ जुड़ने के बाद तब जाकर ये सिग्नलिंग पाथवे में एंटर करता है। ये थोड़ी सी यूनिक चीज है जो कि क्वेश्चन का एरिया बन सकती है कि जास्मोनेट कौन से अमाइनो एसिड के साथ कॉन्जुगेट होकर सिग्नलिंग पाथवे में पार्टिसिपेट करता है। आंसर शुड बी आइसोल्यूसिन। तो जास्मोनेट कॉन्जुगेट हो जाता है आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड के साथ और प्रमोट करता है इंट्रैक्शन बिटवीन द COI एंड द रिप्रेसर एंड प्रमोट द इंट्रैक्शन बिटवीन द COI एंड द रिप्रेसर ऑफ अ जास्मोनेट इंड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन कॉल दी जास्मोनेट जिम डोमेन जिसे हम बोलते हैं जैज प्रोटीन, देयर बाई टारगेटिंग द जैज प्रोटीन टू डिग्रेडेशन। तो सिंपल सी बात यह है, रिसेप्टर का नाम यहाँ पे कोरोनेटिन इनसेंसिटिव 1 है। जो यहाँ पे लिगेंड पाया जाएगा दैट विल बी ऑब्वियसली जास्मोनिक एसिड, मेनली आइसोल्यूसिन के साथ कंबाइन हुआ जास्मोनिक एसिड। अगर इनहिबिटर की बात करें तो इनहिबिटर का नाम है जैज प्रोटीन, आप देख सकते हैं दिस इज अ जैज प्रोटीन नाम है और जैज का मतलब क्या हुआ, जास्मोनेट जिम डोमेन इसका नाम है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है यहाँ पे MYC और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, बिल्कुल मोड ऑफ एक्शन वही होता है दैट इज यूबिक्यूटिन डिपेंडेंट डिग्रेडेशन पाथवे। और सिग्नलिंग पाथवे को हम यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं, सिग्नलिंग पाथवे को हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं दैट इज दी 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन पाथवे।
तो मैंने पहले ऐसे टारगेट किया ना कि जितने भी फाइटो हार्मोन इसी पाथवे से सिग्नलिंग करते हैं, सबसे पहले उनको ही डील करवा दिया जाए, एक ही बार में दिमाग में बैठ जाएंगे, राइट, एक ही बार में दिमाग में फिट हो जाएंगे वो, क्योंकि बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो आएंगे दैट इज, उसके बाद स्टिगोलेक्टोन आएगा, स्टिगोलेक्टोन भी 26S प्रोटियोसोमल पाथवे से ही काम करता है, तो इट्स बेटर कि एक जैसी चीज़ों को एक साथ पढ़ ली जाए, दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद जितने फाइटो हार्मोन आएंगे उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा, फाइन। तो देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो पहले एक आपको मैं एक आउटलाइन दूं, तो देखिए क्या होता है। ये रहा जासमोनिक एसिड, ठीक है। जासमोनिक एसिड जो है दैट इज, ये रहा एस सी एफ कॉम्प्लेक्स। एस सी एफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एस सी एफ कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि जो यूबीक्यूटेंस ऐड करने का काम करते हैं। तो जासमोनिक एसिड एक्चुअल में किससे बाइंड कर रहा है? सी ओ आई वन से बाइंड कर रहा है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने ऑक्सीजन में बताया था कि टी आई आर वन जो है दैट इज एफ बॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, सिमिलरली सी ओ आई वन भी ऐसे ही बिलोंग करता है, इसलिए आपको यहाँ पे सफिक्स में सी ओ आई वन दिख रहा है। तो ये रिसेप्टर की तरह भी काम करता है एज वेल एज ये एफ बॉक्स फैमिली से भी बिलोंग करता है, दैट इज सी ओ आई। तो जासमोनिक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पे सी ओ आई है, ये इससे बाइंड करेगा। सी ओ आई के बाइंड होते ही क्या होगा, दैट इज पाथवे ऐसे एक्टिवेट होगा कि जल्दी से यहाँ पे यूबीक्यूटिन प्रोटीन्स को बुला लिया जाएगा। उसके बाद वो जैज पे, जो कि एक इनहिबिटर है, उसके सरफेस पे यूबीक्यूटिन प्रोटीन्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जैज का डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ 26S प्रोटियोजोमल पाथवे। फिर एक्टिवेशन हो जाएगा MYC 2, 3, 4 जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और फिर जीन के एक्सप्रेशन में चेंज एज वेल एज रिस्पॉन्स देखा जाएगा। तो ये तो एक आउटलाइन हो गई कि काम कैसे कर रहा है। अब हम थोड़ा सा जो है दैट इज मेन फोकस करते हैं डायग्राम पे। तो देखिए, मैंने आपको कहा था कि जैस्मोनिक एसिड अकेले काम नहीं करता है, ठीक है, आइसोल्यूसिन के साथ काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जैस्मोनिक एसिड एंड आइसोल्यूसिन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद द एस सी एफ सी ओ आई वन, क्योंकि यहाँ पे सी ओ आई वन क्या है, सी ओ आई वन इज एक्टिंग एज अ रिसेप्टर, और सी ओ आई वन किस फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज ये एस सी एफ से ही बिलोंग करता है, मतलब एफ बॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि डिग्रेडेशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स के साथ आएगा। ये इसको क्यों लेकर आया है, क्योंकि इसी की हेल्प से तो जैज को वहां से हटाना पड़ेगा, जैज का डिग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो सी ओ आई जैस्मोनिक एंड आइसोल्यूसिन का जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ बाइंड कर जाता है, बिकॉज इट इज अ रिसेप्टर, राइट, इट इज अ रिसेप्टर। और ये जो है किसकी तरह काम कर रहा है, दिस इज अ लिगेंड, ठीक है, ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो ये जो एस सी एफ है, और ये क्या होगा, ये होगा दैट इज द यूबिक्यूटिन्स को ऐड करने वाला काम करेगा। तो इनका कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये क्या करेंगे, अब जो है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कहाँ पे। सबसे पहले अगर नॉर्मली बात करें तो हुआ क्या, पहले से ही जैज ने, जो कि एक इनहिबिटर है, ये पहले से ही क्या करके रखा है, MYC2 को, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको पहले से ही देखिए यहाँ पे इनहिबिट करके रखा है। अब इनहिबिट होगा तो क्या होगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं देखा जाएगा। तो जब ये यहाँ पे दैट इज योर जैस्मोनिक एसिड एंड सी ओ आई का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते ही एस सी एफ क्या करते हैं, आते हैं और जैस पे बहुत सारे यूबिक्यूटिन्स टैग ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये सब मिलकर जो है दैट इज ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स आता है, यहाँ पर बाइंड करता है। बाइंड करते ही जो है जैस के ऊपर बहुत से यूबिक्यूटिन्स टैग ऐड हो गए। और ऐसा क्यों किया जाता है, सिर्फ एक टारगेट है कि कुछ भी करके MYC2 को फ्री कर दिया जाए, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, फ्री होगा तभी तो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो इसको फ्री करने का मेन पहले फंडा होता है। तो सब मिलके जो है जैज को लेकर चले जाते हैं यूबीक्यूटिन टैग ऐड करवाने के लिए। टैग आते ही टैग ऐड होते ही 26S प्रोटियोसोमल पाथवे से इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, और MYC2 फ्री हो गया। MYC2 फ्री होगा तो क्या होगा, दैट इज जैस्मोनिक एसिड डिपेंडेंट जीन का यहाँ पे सिंथेसिस कर देगा, और प्लांट के अंदर जैस्मोनिक एसिड की वजह से जितने भी फंक्शनैलिटी होती है प्लांट वो गेन कर लेगा, या फिर जो भी रिस्पॉन्स होता है वो शो करने लगेगा। तो यहाँ पे सारा कहानी एक ही जैसा था। अगर मैं चाहूँ तो एक बार समराइज करते हैं, ताकि इन केस अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हुआ हो तो चीज़ें सॉल्व हो जाए। जैसे कि सबसे पहले क्या देखा गया कि स्टार्टिंग में जो है दैट इज जैज, इसने पकड़ के रखा था MYC2 को, और ये क्या हो गए थे, ये इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसक्रिप्शन, ये कब हुआ, स्पेसिफिकली ये कब हुआ, जब जैस्मोनिक एसिड नहीं था,
नो जे। लेकिन जब जे ए है, जासमोनिक एसिड है, तो क्या करेगा? सबसे तो पहले वो आइसोल्यूसीन से आकर बाइंड करेगा और क्या कॉम्प्लेक्स बना लेगा, दैट इज जे ए एन आइसोल्यूसीन का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब इसके बाद इसका टारगेट क्या होगा? इसके बाद इसका टारगेट होगा कि वो सी ओ आई वन से बाइंड कर जाए। लेकिन आपको पता है सी ओ आई तो खुफिया ठहरा, राइट? क्योंकि वो अंदर ही अंदर किसका पार्ट है, दैट इज डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। तो ये अपने साथ किसको लेकर आ जाएगा, दैट इज एस सी एफ कॉम्प्लेक्स को भी लेकर चला आएगा। और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट अब क्या होगा, अब ये अटैक करेंगे किस पे, ये जो यहाँ पे था, दैट इज योर जैज, ओके, जैज एंड एम वाई सी टू का जो यहाँ पे इनहिबिशन चल रहा था, ये अब इस पे अटैक करेगा। इस पे अटैक करने के कारण क्या होगा, जैज के ऊपर छोटे छोटे से यूबिक्यूटिन्स टैग ऐड हो जाएंगे। अभी जो छोटे छोटे से यूबिक्यूटिन्स टैग ऐड होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है इसको लेके चले जाएंगे डिग्रेडेशन पाथवे में, 26S डिग्रेडेशन पाथवे में लेकर चले जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे और क्या हुआ है, अपना एम वाई सी टू तो फ्री हो गया है। एम वाई सी टू था क्या, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और जासमोनिक एसिड जो रिस्पॉन्स होता है उसे जनरेट करेगा इन प्लांट। तो ये था हमारा, दैट इज योर ओवरऑल, ये काम कैसे कर रहा है, मतलब ये आप कह सकते हो दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिविजन बॉक्स, रिविजन बॉक्स है ये। एक क्रिस्प फॉर्म में आपको बताया जा रहा है कि हुआ क्या एक्चुअल में, ठीक है? तो दो ही स्टेप होते हैं, एक विदाउट जासमोनिक एसिड एंड एक विद जासमोनिक एसिड। होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। ओके, लास्ट चला आता है हमारे पास जासमोनिक एसिड का फंक्शन। जासमोनिक एसिड काम कैसे करता है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, कि हाइलाइटर ले लेते हैं। फाइन, सो जासमोनिक एसिड हैज बीन शोन टू इनहेंस द रूट हेयर ग्रोथ, रूट हेयर के ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है, दैट इज जासमोनिक एसिड, ठीक है? नेक्स्ट, जासमोनिक एसिड इज डेरिवेटिव कंपाउंड, सॉरी, डेरिवेटिव कंपाउंड फंक्शन एज अ की सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन द ट्राइकोम्स फॉर्मेशन एंड एडिशन ऑफ द एग्जोजीनस जासमोनिक एसिड कॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लीफ ट्राइकोम्स इन अरबिडोप्सिस। तो देखा ये जाता है कि ये जो आपको छोटे छोटे से यहाँ पे हेयर्स नजर आ रहे होंगे, राइट, जो प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, दैट इज वॉट कॉल्ड द ट्राइकोम्स, उन ट्राइकोम्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दैट इज जासमोनिक एसिड। फाइन, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड फंक्शन के बारे में, कि थर्ड फंक्शन क्या है, तो लेट्स सी। सो देखा ये जाता है कि एक्सोजीनस एप्लीकेशन ऑफ अ जासमोनिड स्टिमुलेट द लीव सेनेसेंस, ये तो अभी बताया कि लीव के सेनेसेंस में भी हेल्प करता है, एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज ऑफ सेनेसेंस रिलेटेड जीन, और सेनेसेंस रिलेटेड जीन के एक्शंस को भी कंट्रोल करता है कि यस कब सेनेसेंस करवाना है और कब नहीं। जे ए में प्ले अ मेजर रोल इन द फ्लावर सेनेसेंस देन इन द लीव सेनेसेंस, तो आप कह सकते हो कि फ्लावर सेनेसेंस में इसका रोल ज्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू द लीव सेनेसेंस, मतलब इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता होगा। नेक्स्ट है च्यूइंग एंड पियर्सिंग एंड सकिंग इंसेक्ट विच इन्फेक्ट द सीवियर टिश्यू डैमेज रिजल्टिंग इन द एक्टिवेशन ऑफ अ जासमोनिक एसिड सिग्नलिंग, जे ए एक्ट अगेंस्ट द पेस्ट एंड हर्बिसाइड्स। तो ऐसे दैट इज आप कह सकते हो कि पैथोजन, या फिर आप कह सकते हो पेस्ट एंड हर्बीवोर जो कि प्लांट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली हर्बीवोर जो कि च्यू कर जाते हैं, सकिंग इंसेक्ट जो कि प्लांट पे अटैक करते हैं, उनके खिलाफ जो प्लांट दैट इज डिफेंस रिस्पॉन्स शुरू करता है वो मेनली जासमोनिक एसिड ही होता है, ठीक है? जासमोनिक एसिड वाली सिग्नलिंग वो स्टार्ट कर देता है, एक्टिवेशन हो जाता है जासमोनिक एसिड का। तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इफ अ प्लांट इज गेटिंग अटैक्ड विद द पेस्ट एंड हर्बीवोर्स ऑन द रेगुलर बेसिस, व्हाट काइंड ऑफ सिग्नलिंग यू कैन एक्सपेक्ट इन दैट पर्टिकुलर प्लांट, तो योर आंसर शुड बी दैट इज योर जासमोनिक एसिड। नेक्स्ट, सीड ट्रीटमेंट विद द जे फॉर एंटी पेस्ट डिफेंस इन द प्लांट। अगर आप एक सीड को जमीन में डालने से पहले, ग्राउंड में सो करने से पहले, अगर उसको आप जे से ट्रीट कर दोगे, जासमोनिक एसिड से ट्रीट कर दोगे, तो उसमें एंटी पेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। क्यों, आप देख ही रहे हो इसका रीजन ऊपर वाले पॉइंट में ही लिखा गया है, क्योंकि इसका रोल ही होता है कि ये पेस्ट को अवॉइड करता है, या फिर आप कह सकते हो कि किल कर देता है, क्योंकि ये एंटी पेस्ट की तरह काम करता है।
इट इंड्यूसेस द टेंड्रिल कॉइलिंग. अब टेंड्रिल कॉइलिंग ना पता हो तो ये रही टेंड्रिल कॉइलिंग, ठीक है, ये वाला पोर्शन, कर्ली कर्ली हेयर, या फिर आप कह सकते हो कर्ली कर्ली स्टेम, ठीक है, ये रहा पोर्शन, ये वाला पोर्शन. यहाँ पे मैंने बता रखा है दी इस प्लांट में जो है आपको यहाँ पे टेंड्रिल्स देखने को मिल रहे हैं. तो ये टेंड्रिल्स हैं, टेंड्रिल्स को इंड्यूस करने का काम होता है जासमोनिक एसिड का. और ये एक्चुअल में टेंड्रिल्स करते क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट में. यानी मेनली ये कब होता है, जब एक प्लांट किसी सहारे के थ्रू ग्रो करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट, एंड द रोल फॉर दी ऑक्सिन एंड इथिलीन हैव बीन प्रपोज. और देखा गया कि एक माइनर बेसिस पे ऑक्सिन एंड इथिलीन भी यहाँ पे प्ले करते हैं अपना रोल. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूबर फॉर्मेशन इन द पोटैटो. पोटैटो में जो ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है उसमें भी जासमोनिक एसिड हेल्प करता है. जे पाथवे इज इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग द प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, एंड बायोटिक एंड एबायोटिक रिस्पॉन्स में मेजॉरिटी तरीके से इन्वॉल्व होता है. तो स्पेसिफिकली इसका रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से देखा गया है कि चाहे बायोटिक यानी कोई लिविंग थिंग्स प्लांट पे स्ट्रेस डाल रही हो या कोई नॉन लिविंग थिंग्स डाल रही हो, दोनों ही मामले में जासमोनिक एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है.